वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस का 7 स्टार क्वेश्चन। 7 स्टार क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जिस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है। वो देखने में थोड़ा सा टफ लग रहे होते हैं, बट एक्चुअल में कोई चीज टफ नहीं होती है, जब तक उसके सॉल्यूशन को आप ना जान जाओ वो चीज टफ लग रही होती है ना। सो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 7 स्टार क्वेश्चन कहेंगे। तो जल्दी से फिर चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो क्वेश्चन इज, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। यानी कि आपको उस क्लाउड की हाइट निकालनी है लेक के ऊपर से, यानी लेक है। सबसे पहले तो लेक ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपने लेक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस लेक के ऊपर कहीं क्लाउड है, तो यहां पर हमने क्लाउड बना लेते हैं जल्दी से। ये क्लाउड है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्लाउड है और क्लाउड के रिफ्लेक्शन की बात हो रही है लेक में, इन द लेक, है ना। क्लाउड है और क्लाउड के रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन यानी कि ये क्लाउड है, तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन भी, यानी कि आपको इतना समझना होगा सिर्फ कि लेक से जितनी दूरी होगी क्लाउड की, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक से जितनी दूरी होगी क्लाउड की उतनी ही दूरी लेक से उसके रिफ्लेक्शन की होगी, है ना। मिरर में इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से, कि ऑब्जेक्ट की दूरी जितना मिरर से होती है उतनी ही दूरी उसके इमेज और मिरर के बीच की होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है, यानी कि यहां लेक से इस क्लाउड की जितनी दूरी है ये उतनी ही दूरी, सेम दूरी इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन की भी होगी लेक के अंदर जो बन रहा है। तो रिफ्लेक्शन हम यहां पर क्लाउड का बना देते हैं, ठीक है, उल्टा बन रहा है। सो क्लाउड की दूरी जितना लेक से होगी, तो इसको हम लोग एच बोल देते हैं, ये एच, समझिएगा ये एच दूरी हमने बोल दिया, यानी कि क्लाउड से लेक की दूरी हमने अज्यूम कर ली है एच, और उतनी ही दूरी लेक से उस मिरर यानी कि उस इमेज की है, क्लाउड के रिफ्लेक्शन की है। कोई डाउट नहीं यहां तक, तो अब आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, यानी क्लाउड को नीचे से देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि नीचे से देखा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक, यानी लेक से 200 मीटर ऊपर, ये है लेक, नीचे वाला ये लेक है, राइट, ये लेक है, ये लाइन ये लेक है, और इससे 200 मीटर ऊंचाई पे कोई पर्सन होगा, 200 मीटर लंबा होगा, और इस पर्सन ने 200 मीटर ऊंचाई से देखना शुरू किया, ये इनकी आंख है, तो साइट यहां से जा रही है, तो क्लाउड को देखना शुरू किया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, राइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस जरूरी होती है, तो यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। So, कितना एंगल बन रहा है बच्चों, जल्दी बताओ, एंगल बन रहा है 30 डिग्री, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है 200 मीटर अबव, तो इसका मतलब 200 मीटर की ये दूरी है, ठीक है, ये 200 मीटर की दूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर, अब जाहिर सी बात है आंखें यहां पर है, इंसान यहां पर खड़ा है 200 मीटर ऊपर है, सो वो अब रिफ्लेक्शन को देखेगा लेक में, रिवर में, जब वो रिफ्लेक्शन की ओर देखेगा तो नीचे की ओर देखेगा, है ना, तो नीचे की ओर देख रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा, यानी कि वो रिफ्लेक्शन को देख रहा है। देखिए ये साइड जा रही है, नजरें है ना उसकी, ये ऐसे, तो डिप्रेशन जो देख रहा है, डायग्राम देखिए कितना सुंदर बना है, तो जो डिप्रेशन का एंगल बन रहा है बेटा वो 60 डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक्सिस सेम है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। सो इसको लेबल कर देते हैं, सबसे पहले तो ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये जो आंखों वाला पॉइंट है सी, नीचे वाला पॉइंट हम दे देते हैं डी, और इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं ई। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ जल्दी से कि ये अगर 200 है, ये वाला साइड अगर आप देखो तो 200 है, तो क्या बी ई भी 200 होगा? बिल्कुल होगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर ये 200 हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, यानी कि लेक हमारी लाइन ये है, लेक वाली लाइन ये है पूरी, और हमें इसकी हाइट बतानी है क्लाउड की, क्लाउड लेक से कितनी दूरी पर है, तो हमने एज्यूम पहले से ही एच कर रखा है, राइट, यानी कि हम लोग को एच निकालना है, एच निकालना है, इसका मतलब क्या, हम लोग को ए ई निकालना है, ए ई, देखो ध्यान से, ए ई, ए से लेकर के ई तक की दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो, बहुत आराम समझिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में राइट ट्रायंगल की जरूरत होती है ना, राइट ट्रायंगल की जरूरत होती है, तो यहां पर बताइए कितने राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। पहला राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक राइट ट्रायंगल है ना, एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर बना हुआ है,
तो एक राइट ट्रायंगल ये हो गया एबीसी, और दूसरा राइट ट्रायंगल है बी सी बी डी, है ना। एक ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा है सी बी डी, दोनों राइट ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल देखिए एबीसी, ये एक राइट ट्रायंगल आया, दूसरा है सी बी डी, दूसरा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब देखो ध्यान से, पहले एबीसी अगर राइट ट्रायंगल है, अगर एबीसी राइट ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, एबीसी अगर राइट ट्रायंगल है तो क्या आपको एबी की वैल्यू पता है? एबी कितना है जल्दी से बताओ, एबी कितना है? एबी यहां से लेकर यहां तक सिर्फ, तो यहां नीचे से लेकर के, यानी ए से लेकर के ई तक की दूरी, ए से लेकर के ई तक की दूरी, ए से लेकर के ई तक की दूरी हम लोग को मालूम है, हमने एच अज्यूम कर रखा है, राइट। और बी ई हम लोग ने अज्यूम कर रखा है 200 मीटर। तो इसका मतलब है कि अगर ए से लेकर के ई तक की दूरी एच है और बी ई 200 है, तो अगर हम पूरे में से ए ई में से बी ई माइनस कर दें, ए ई में से बी ई माइनस कर दें, तो हम लोग को ए बी आ जाएगा। ए बी क्या होगा? ए ई माइनस बी ई, राइट। तो ए ई हमारा एच है, बी ई हमारा 200 है, यानी कि ए बी की वैल्यू होगी एच माइनस 200। इजी, यानी कि ए से लेकर के बी तक की दूरी जो है वो एच माइनस 200 है। इसी तरह से नीचे बताओ जल्दी से, दूसरा ट्रायंगल क्या है? सी बी डी। तो हमने सी बी डी अगर हम देखेंगे, ट्रायंगल सी बी डी में देखो, सी बी डी नीचे तक, सी बी डी पूरा नीचे वाला ट्रायंगल है ना, सी बी डी में आप एंटर करिए, तो आप बताओ जल्दी से क्या आपको बी डी की लेंथ पता है? बी डी की, बी से लेकर के डी तक की वैल्यू, बी से लेकर के डी तक की लेंथ मालूम है आपको? नहीं मालूम है। तो बी से लेकर के डी तक की लेंथ अगर आपको निकालनी हुई, तो आप देखो ध्यान से, डी ई की वैल्यू पता है आपको? डी ई की, है ना। यानी अगर आपको बी डी की लेंथ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी ई प्लस डी ई, बी ई प्लस डी ई आपको ऐड करना पड़ेगा। बी ई कितना है? बी ई है बेटा 200 और डी ई आपने अज्यूम कर रखा है एच, यानी कि एच प्लस 200 आपका बी डी होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यहां से लेकर के यहां तक टोटल, यानी कि एच प्लस 200, राइट, कुछ ऐसा। तो आपने दोनों ट्रायंगल को देखा, एबीसी ट्रायंगल भी आपने देख लिया और ट्रायंगल सीबीडी भी देख लिया। ट्रायंगल एबीसी में आपके पास एबी आ चुका है और ट्रायंगल सीबीडी में आपके पास बीडी आ चुका है, राइट। अब हम लोग एक एक करके ट्रायंगल के अंदर घुसते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना, रिलेशन लगाते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, ये है एबीसी ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल आपका एबीसी में आते हैं। तो आप मुझे बताओ, एबी अपॉन बीसी, अगर हमने एबी अपॉन बीसी किया, ए बी अपॉन बी सी किया, तो ये कौन सा रिलेशन बन रहा है? ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है कि बेस है? जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो ए बी की वैल्यू एच माइनस 200 है, तो बाद में पुट कर देंगे, फिलहाल ये परपेंडिकुलर है। और बी सी क्या है? बेस है। तो बेस, बी सी अगर बेस है, दोनों ट्राइंगल का बी सी सेम है ना, दोनों ट्राइंगल में बेस है यही वाला, तो इसको एक्स मान लेते हैं हम जल्दी से। बी सी को हमने एक्स अज्यूम कर लिया है। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है, यानी कि ये टैन बन रहा है, वो भी एंगल कौन सा? टैन 30 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री गिवन है हम लोग को, टैन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब जल्दी से देखिए, तो ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं एच माइनस 200, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी है, ए बी की वैल्यू एच माइनस 200, और बी सी की जगह पर हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो बी सी की जगह पर एक्स हो गया, ये इज इक्वल टू टैन 30, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जल्दी से सॉल्व करते हैं, एच माइनस 200 अपॉन एक्स, और टैन 30 हो गया 1/√3 बेटा, है ना, 1/√3 आपको याद होना चाहिए। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, रूट थ्री को इधर भेज देते हैं, एक्स को इधर भेज देते हैं, तो रूट थ्री इधर आ गया और एच माइनस 200 इज इक्वल टू एक्स लिख दिया हमने, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगले ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा? सी बी डी में आते हैं, सी बी डी में जो हम लोगों ने निकाल रखा है ना, देख रखा है सी बी डी ट्राइंगल, इसको थोड़ा सा ठीक है, सी बी डी में देखें। अब अगेन बी डी, बी डी, बी डी अपॉन बी सी करेंगे, बी डी अपॉन बी सी, तो बी डी अपॉन बी डी अपॉन बी सी, तो ये क्या है? बी डी अपॉन बी सी क्या है? बी डी देखिए एंगल 60 के सामने वाली साइड है, एंगल 60 के सामने वाली साइड है, तो उसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, बी डी आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, और बी सी अगेन बेस है यानी कि बेस, तो अगेन ये आपका क्या बन रहा है? ये टैन ही बनेगा, लेकिन एंगल क्या होगा? 60 डिग्री है इस बार, तो एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दिया हमने यहाँ पे, टैन 60 डिग्री दैट इज रूट थ्री। तो बी डी की वैल्यू क्या थी? बी डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, बी डी की वैल्यू है एच प्लस 200, बी डी की वैल्यू एच प्लस 200, ठीक है, तो एच प्लस 200 यहाँ पुट कर देते हैं, एच प्लस 200, और बी सी को हमने एक्स अज्यूम किया था इज इक्वल टू रूट थ्री,
सो ट्रांसपोज कर दें नीचे और रूट थ्री को इधर ले आते हैं, यानी कि एच प्लस 200 होल अपॉन रूट थ्री इज इक्वल्स टू एक्स, ये इक्वेशन हमारी टू हो गई। अब ध्यान से देखो, LHS, RHS में x है, RHS में x है, दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, है ना, दोनों इक्वेशंस के RHS इक्वल है, तो इसका मतलब LHS भी दोनों इक्वेशंस का इक्वल हो जाएगा, आपस में इक्वेट हो जाएंगे दोनों इक्वेशंस। लिख लेते हैं, इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू, पुट कर दें वैल्यू, यानी कि h रूट थ्री एच माइनस 200 रूट थ्री ब्रैकेट में h माइनस 200 इज इक्वल टू h प्लस 200 अपॉन रूट थ्री, h प्लस 200 अपॉन रूट थ्री, यही है दोनों इक्वेशंस का LHS पार्ट इक्वल हो जाएगा क्योंकि RHS पार्ट इन लोग का इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट थ्री को इधर भेज सकते हैं नीचे से ऊपर, तो रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर है थ्री एच माइनस 200, इसको एज इट इज रहने देते हैं और एच प्लस 200 ये हो गया। अब थ्री भाई साहब जब अंदर घुसेंगे तो सबसे मुलाकात करेंगे, है ना, एक से तो हाथ मिलाएंगे नहीं सब, तो ये हो गया थ्री एच माइनस 600 और इधर एच प्लस 200। अब 600 को बॉर्डर पार करा दो, यानी कि 600 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा और ये एच इधर भेज दो, तो यानी कि 3h माइनस h इज इक्वल टू 600 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 800 और इधर आ जाएगा 2h, सो h इज इक्वल टू 400 और h क्या था, क्लाउड की लेक से दूरी, यही तो निकालना था, h ही तो निकालना था, क्वेश्चन ने भी यही पूछ रखा था आपसे कि क्लाउड हमारा लेक से कितना दूर है जिसको आपने एच अज्यूम किया था और एच की वैल्यू आ गई 400 मीटर, यानी कि आंसर इज 400 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कितना टिपिकल था, कितना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है बट एग्जाम में कई बार देखा गया है, बोर्ड्स में कई बार देखा गया है, ना, सो अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको एक बार आप एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, दो तीन बार देखिएगा, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, है ना, अच्छे से समझ लेना आप इसको और आपको नोट्स में भी इसको अच्छे से क्रिएट करके बना करके फिगर बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक। सो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लाते रहेंगे, 7-star क्वेश्चन सभी के सभी। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक बात हाँ, और अगर आप रेगुलर इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो t.me/schoolastroclasses के नाम पे, तो इसको आप ज्वाइन करो तो आपको लेटेस्ट क्लास, लाइव क्लास कब होती है, लेटेस्ट वीडियोस क्या है वो आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे, सो इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।